चंचल किराना दुकान में 12 लाख की डकैती। 6 नकाबपोश डकैतों से अकेले जूझता रहा दुकानदार। लाइव डकैती का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियारी बाजार की एक होलसेल किराना दुकान में नकाबपोश डकैतों ने शुक्रवार की रात 8:40 भीषण डकैती को अंजाम दिया। डकैतों ने हथियार के बल पर करीब 12 लाख रुपए लूट लिए हैं। लूट की इस घटना का अब लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुकान के मालिक राधे श्याम झा अकेले डकैतों से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डकैत सहरसा की तरफ से आए थे। इस क्षेत्र में पहले भी लूट और डकैती की ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसकी वजह से व्यापारियों और आम लोगों में खौफ का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हथियार के बल पर 6 नकाबपोश डकैत रात के 8:40 ज्वालामुखी किराना स्टोर में घुसते हैं। वे पहले दुकान के स्टाफ को कवर कर लेते हैं, उसके बाद दुकान के मालिक राधे श्याम झा को हथियार के बल पर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधे श्याम वहां से नहीं हटते हैं। इसके बाद नकाबपोश डकैत उनके सिर पर लोहे की कुर्सियों से बार बार वार करते हैं। इसके बाद उनके मुंह में पिस्टल ठूस देते हैं। इसके बाद भी राधे श्याम जब हार नहीं मानते हैं, तब अपराधी उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और उनकी जबरदस्त पिटाई करते हैं। राधे श्याम जब पस्त पर जाते हैं तो डकैत दुकान के गल्ले से करीब 12 लाख रुपए लूटकर भाग जाते हैं। घायल दुकानदार राधे श्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकानदार राधे श्याम के भाई घनश्याम झा ने बताया कि 6 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने उनकी दुकान से करीब 12 लाख रुपए लूट लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले भी ऐसे डकैती की बड़ी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने या इलाके में सुरक्षा बनाने पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने मांग की कि पुलिस जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन करे और लूट की राशि बरामद करे। क्या नाम है आपका? घनश्याम झा, और किराना स्टोर जी। कल मेरे भाई साहब यहाँ दुकान पे करीब 8:30 के आसपास दुकान चला रहे थे, उसी संचालन के समय यहाँ नकाबपोश 6 गुंडा आया यहाँ, जो मास्क लगाए हुए था, साथ में हथियार जो पिस्टल था उसके बल पे भैया के साथ मारपीट काफी गंभीर तौर मारपीट करके 13 लाख रुपया लूट लिया गया है। इस प्रशासन के यहाँ का जो प्रशासन का जो रवैया है, इससे पहले भी हमारे गाड़ी के साथ घटना हुआ था नीमा में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी प्रशासन का जो रवैया है, इसके अंदाज में मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। 13 लाख रुपए की लूट हुई, 13 लाख से प्लस की कुछ लूट हुई है, और अभी तक कोई संज्ञान लिया गया प्रशासन के द्वारा? संज्ञान लिया गया है, लेकिन ये इससे भी बड़ा बड़ा घटना गांव में बगल में। ये घटना कितने बजे करीब घटी है? ये घटना घटी है 8:30 प्लस 8:40 में घटना घटी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।